अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर दिए जाने वाले पुरस्कारों को लेकर महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश टांडा ने कमेटी की बैठक ली है। बैठक में हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद की मानद महासचिव रंजीता मेहता, महिला और बाल विकास विभाग की आयुक्त साथ ही सचिव अमनीत पी कुमार, विभाग की निदेशक मोनिका मलिक समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। आपको बता दें कि महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने बुधवार को चंडीगढ़ में कहा कि महिला दिवस के अवसर पर सराहनीय योगदान देने वाली महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा। राज्य सरकार महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान देने वाली हरियाणवी प्रतिभाओं को पहली बार सुषमा स्वराज अवार्ड दिया जाएगा। इस पुरस्कार को हासिल करने वाली महिला को 5 लाख रुपए की राशि, शॉल एवं प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। झज्जर में बिजली निगम के कर्मचारी बिजली कार्यालय के गेट के सामने अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए। एक बार फिर बिजली कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कर्मचारियों का कहना है कि जब तक सरकार हमारी मांगें पूरी नहीं करेगी, ऐसे ही आंदोलन जारी रहेगा। अगर समय रहते सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करेगी, आने वाले 2024 के चुनावों में आईना दिखाकर बिजली कर्मचारी करेंगे, इसका खामियाजा सरकार को ही भुगतना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए, समान काम समान वेतन किया जाए, पुरानी पेंशन बहाल की जाए, और भी कई बिजली कर्मचारियों की मांगे हैं जिन्हें सरकार द्वारा पूरा करना है। लेकिन काफी समय से हमारी मांगों की तरफ सरकार का कोई भी ध्यान नहीं है। आगे भी प्रदर्शन की चेतावनी यहां पर कर्मचारियों द्वारा दी गई है। हमारा केंद्रीय परिषद के आह्वान पर आज ये 2 घंटे का विरोध प्रदर्शन है, जिसमें हमारी जो मुख्य मांगे हैं, इसमें पुरानी पेंशन को लागू कराना है, एस ग्रेसिया पॉलिसी को बगैर शर्त के लागू कराना, कच्चे कर्मचारी को पक्का करना, जब तक पक्का ना उसको समान काम समान वापस वेतन देना, और जो हमारी एस ग्रेसिया पॉलिसी है उसको बगैर शर्त के लागू कराना। बहुत से अन्य हमारी जो डिमांडें हैं, सरकार हमारी डिमांड को मान लेती है लेकिन उसके बाद उसको धरातल पर लागू नहीं करती। हरियाणा के यमुनानगर में बार बार लगने वाले जाम से अब लोगों को छुटकारा मिलेगा। बता दें कि यहां विभिन्न क्षेत्रों में बाइक्स राइडर थे, लेकिन अब क्विक रिलीफ टीम वाले बाइक सार्वजनिक स्थलों पर मौजूद रहेंगे। अगर कहीं भी कोई जाम लगने की स्थिति बनती है तो तुरंत टीम वहां पहुंचकर जाम की स्थिति को दूर करेगी। इसी सबके बीच जब यमुनानगर के डीएसपी प्रमोद कुमार से बात की गई तो उन्होंने बताया कि इसके लिए स्पेशल टीम की तैनाती 24 घंटे सार्वजनिक स्थलों पर रहेगी, जो कुछ ही मिनटों में जाम वाली जगह पहुंचकर जाम से निजात दिलवाएंगे। हरियाणा में रेलवे फोर्स की कमी को जल्द दूर किया जाएगा, इसके लिए लगातार प्रयास जारी है। यमुनानगर पहुंची रेलवे की पुलिस अधीक्षक संगीता कालिया ने बताया कि रेलवे में फोर्स में कमी है, लेकिन जो फोर्स है उसी के माध्यम से अपराध को कंट्रोल किया जा रहा है। समय समय पर हेरोइन शराब की रिकवरी हो रही है, अपराधी को अपराध करने से पहले पकड़ा जाता है, इसके बावजूद अपराध हो तो ऐसे मामलों में अभियुक्तों को बख्शा नहीं जाता। यमुनानगर में इनहेबल क्लब द्वारा रेलवे स्टेशन पर दी गई एम्बुलेंस के उद्घाटन अवसर पर पहुंची रेलवे पुलिस अधीक्षक संगीता कालिया ने बताया कि एम्बुलेंस मिलने से जहां समय पर चिकित्सा मिलने पर इंसान की जान बचाई जा सकेगी, वहीं रेलवे इलाके में घायल लोगों को भी तुरंत नजदीक के अस्पतालों में पहुंचाया जाएगा। जब सर्दियां थी उस समय पर कुछ मामले हमारी जानकारी में इस तरीके के आए थे, तो हमने इसके लिए वीकली फुट पेट्रोलिंग लगाई है, जिससे हमने अपराधियों पर अंकुश लगाने का पूरा प्रयास किया है। और बेशक बॉर्डर पे स्थित है और रेल का रास्ता ये लोग अपनाते हैं, बट हमारी जो साइबर टीम है, टेक्निकल सर्विलेंस टीम है, वो सभी एक्टिव है और हमने अपने रिसोर्सेज भी लगाए होते हैं। तो एक बार तो अपराधी कामयाब हो जाता है ऐसा करने में, बट दोबारा के लिए हम उनके लिए कोई मौका नहीं छोड़ते हैं।
क्लब एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है सिर्फ और सिर्फ महिलाओं की, जो कि 100 से ज्यादा देशों में काम कर रही है। हमारा जो ये क्लब है इनोवेल क्लब ऑफ जगाधरी यमुनानगर, 50 साल होने को आ रहे हैं जी अगले साल। 50 सालों से समाज सेवा के कार्यों में हमारे ट्विन सिटीज जगाधरी यमुनानगर में कार्यरत है। इस समय 80 प्लस महिलाएं हैं हमारे क्लब में जो इसके मेंबर हैं और अपनी सेवाएं दे रही हैं। यमुनानगर में सीएम फ्लाइंग टीम के हाथों बड़ी कामयाबी लगी है। टीम ने 4 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है जो ओवरलोड पर लगाम कसने वाले अधिकारियों की रेकी किया करते थे। इन लोगों ने जय महादेव के नाम से व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया हुआ था और उसमें ट्रांसपोर्टर्स को अधिकारियों की जानकारी देते थे। इन लोगों में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी शामिल है। फिलहाल जगाधरी सिटी थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है और यह जांच चल रही है कि इस ग्रुप में और कौन कौन लोग शामिल थे। आज अपना सीएम फ्लाइंग कार था और हमारे अपना थाने की अपना एएसआई ऋषि पाल, ठीक है, टीम थी हमारी। हमने ज्वाइंट अपना एक ऑपरेशन किया था और अपना टीम के साथ मिलकर हमने ना 4 लड़कों को अपने गिरफ्तार किया है। जिनके नाम है सागर, ये और वह आजाद, ये रक्कड़ के हैं, और अपना एक आशीष है, ये ससावा यूपी से है, और रवि भाटिया यमुनानगर से है। ये क्या करते हैं, अपना एक उन्होंने नेटवर्क बनाया हुआ है मोबाइल ग्रुप घटना के संबंध में। अपना वो अपना इनको गाड़ियों को पास कराते हैं अपना ट्रांसपोर्टरों से मिलकर। भिवानी में लगातार अपराध बढ़ता जा रहा है। बेखौफ बदमाश आए दिन कोई न कोई वारदात को अंजाम देते हुए दिखाई देते हैं। आपको बता दें कि गांव बड़ारा निवासी देवेंद्र के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। देर रात 3 बदमाशों ने एक सराफा व्यापारी से बंदूक की नोक पर लूट की है और व्यापारी को घायल कर वहां से फरार हो गए। व्यापारी हॉस्पिटल इलाज के लिए से भर्ती करवाया गया। व्यापारी का कहना है कि उसके पास से 4.25 लाख रुपए नकदी चांदी के आभूषण थे। रास्ते में बाइक पर सवार 3 बदमाशों ने उसे लूट लिया। शाम को करीब 9 बजे से थाना में सूचना मिली कि बड़ाला गांव बड़ाला पछांगा के बीच में कहीं लूट की सूचना मिली थी। जो पुलिस मौके पर जा रही थी और वहां जांच चली है, जो तथ्य सामने आएंगे कार्रवाई अमल में लाएंगे। देवेंद्र नाम का लड़का है, देवेंद्र सौ श्री जगन्नाथ गांव बड़ावा, ये यहाँ सराफा बाजार में दुकान कर रहे थे जैन चौक पर, और ये अपनी दुकान बना करके अपने गांव जा रहा था। तो ये कहां की घटना? ये घटना सांगा गांव से करीब 2 किलोमीटर आगे नजदीक बड़ावा गांव। क्या मिला? अभी हॉस्पिटल में है धुरेंद्र, उसके बयान लेने के बाद जैसी सूट हुई कार्रवाई अमल में लाएगी। मैं गांव को की तरफ सामान लेके जा रहा था, मेरी स्कूटरी में 4.5 लाख रुपए केस थे, 3 किलो चांदी, 2 जोड़ी चप्पल, ये सामान था। ये सांगा से ठीक आधा किलोमीटर ठेके से आगे ये मेरे साथ हादसा आगे आगे व्यक्ति थे, मैं उनको बाई फिर जाता था कहाँ रहने वाले सांगा के बड़ा की बात कुछ कहाँ के वह आए 3 जने मोटरसाइकिल। ई टेंडरिंग को लेकर शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुर्जर का बयान दिया है। बयान देते हुए उन्होंने कहा है कि कुछ लोगों की जिद और राजनीतिक लोगों के उकसावे के चलते आंदोलन हो रहा है। जब सरकार ने किसानों को सीधे खाते में उपज का मूल्य देना शुरू किया था तब भी कुछ लोगों ने इसका विरोध किया था, लेकिन आज किसान इससे खुश है। आज 60% सरपंच ई टेंडरिंग प्रणाली से संतुष्ट हैं। यमुनानगर जिले में सभी सरपंचों ने काम शुरू कर दिया है। ई टेंडरिंग प्रणाली सरपंचों के हित में है। लेकिन टेक्निकल देखिए ई टेंडरिंग में मैं मानता हूं आज की तारीख में 60% सरपंच जो है वो सेटिस्फाई है, और अभी मेरे पास अगर है क्या सूची में दिखाऊं तो मेरे यहां तो
मैं समझता हूं कि 100% सरपंचों ने काम शुरू कर दिया, और वैसे भी हरियाणा में मैं समझता हूं कि 60% सरपंचों ने काम शुरू कर दिया। ऐसे सरपंच भी हैं जो इससे पूरी तरीके से सहमत है, उनका कहना है कि भैया इसमें सरपंच को लाभ है, क्योंकि पहले जब सरपंच काम कराता था तो अक्सर कंप्लेंट रहती, सरपंच कोई टेक्निकल व्यक्ति नहीं है, वो एक्सपर्ट नहीं है टेक्निकल, उस बेचारे तो काम ठीक कर दिया लेकिन टेक्निकल तो कोई ना कोई कमी रहेगी, अब उसकी कंप्लेंट रहेगी तो जो भी अधिकारी जांच करने आएगा वो तो उसकी देखा खामियां क्या है, तो निर्दोष होते भी दोषी सरपंच बन जाता, क्योंकि कमियां तो खामियां थी, इसलिए सरपंच को बहुत भुगतना पड़ता था। अब क्या है, सरपंच बिल्कुल एक साइड में गया, अब अगर जांच होगी तो ठेकेदार की होगी, अगर जांच होगी तो अधिकारी की होगी, सरपंच के जिम्मे काम है कि वो योजना बनाएगा कहां उसने काम करना, दूसरी बात तो काम की चेकिंग करेगा कि काम ठीक रहा या नहीं रहा, अगर काम गलत होगा तो सरपंच काम को रोक देगा और उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा, योजना उसकी है। तो मैं नहीं समझता कि सरपंच को कोई भी दिक्कत है, जबकि पहले उसके लिए बड़ी भारी समस्या थी, कई बार तो सरपंच का टर्म भी खत्म हो जाता और अगली टर्म में कोई और सरपंच बन जाता, लेकिन सरपंच की इंक्वायरी फिर भी चलती रहती, तो काफी सरपंचों ने इस बात को सराहा कि ठीक है। और मेरा आपके चैनल के माध्यम से है, जो भाई थोड़ा इस बात पे जिद भी कर रहे हैं ना जी, तो एक बार काम करके देख ले, एक साल के देखे काम करके कैसा है, अगर ठीक लगेगा तो फिर तो करना चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है जैसे हमने किसान को डायरेक्ट पेमेंट की तो कुछ लोगों ने उसका विरोध करना शुरू कर दिया कि हमारा तो चोली दामन का साथ है, अब हमने डायरेक्ट पेमेंट कर दी शुरू और किसान ने ले ली, अब आप जाए पूछो किसान से कि भाई वैसे करने पहले जैसे, वो एकदम कहे ना ना ये बहुत अच्छी है। कनाडा की सस्केचेवान राज्य ने हरियाणा के साथ खाद्य एवं ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में आपसी सहयोग बढ़ाने की पेशकश की है। इस कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ प्रीमियर स्कॉट के नेतृत्व में कनाडा के 6 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की और विभिन्न क्षेत्रों में आपसी सहयोग के मुद्दों पर चर्चा की। कनाडा भारत के साथ परमाणु क्षेत्र में पहले ही सहयोग कर रहा है। प्रतिनिधिमंडल में कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री स्टीफन हार्पर भी शामिल थे। अगली खबर झज्जर से। ओम प्रकाश यादव ने कहा कि लोगों को किसी प्रकार की समस्याएं ना आए इसके लिए समय समय पर परियोजना समिति की बैठक का आयोजन किया जाता रहता है और आज झज्जर जिले की 14 समस्याएं उनके सामने आई थी, जिनमें से 10 समस्याओं का मौके पर निपटारा कर दिया गया। आपको बता दें कि इस अवसर पर उपायुक्त शक्ति सिंह, पुलिस अधीक्षक वसीम अकरम, एसडीएम समेत विभिन्न सरकारी विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह भिवानी दौरे पर हैं। केंद्रीय मंत्री ने गुजन की चर्चाओं को सिरे से नकार दिया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी में उनकी रुचि और मोदी में आस्था है, साथ ही बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर कोरोना काल को जिम्मेवार बताया। इंद्रजीत राव ने कहा कि हम सबका दुर्भाग्य था कि 3 साल कोरोना काल में निकल गए, तब हमारे मुल्क ही नहीं पूरी दुनिया पर आर्थिक मार पड़ी, पर पीएम मोदी की वजह से हमारे मुल्क ने दूसरे मुल्कों की तुलना में तेजी से आर्थिक हालात सुधरे, इसलिए भारत को समृद्ध मुल्क माना जाता है, इसका श्रेय केवल मोदी को ही जाता है। मैं तो बीजेपी के अंदर एमपी भी हूं, मंत्री भी हूं केंद्र सरकार के अंदर, खुशी मेरी बीजेपी के अंदर ही है, निर्णय भाई के अंदर आस्था है, तो मैं समझता हूं मेरे बारे में इस तरह की कोई सोच कर गलत है। देखो हमारा दुर्भाग्य यह रहा कि पिछले 3 साल कोविड की वजह से अर्थव्यवस्था चंद्रा गई। कुरुक्षेत्र के पिहोवा कस्बे में हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल और कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री सहित शिष्टमंडल के
एफपीओ पैक हाउस का अवलोकन किया। साथ ही कनाडा की स्मार्ट सीडर मशीन को प्रदर्शित करते हुए गन्नौर में 550 एकड़ में स्थापित की जाने वाली मंडी की घोषणा की गई। इस दौरान कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि कनाडा की तकनीक और हरियाणा के किसानों की मेहनत से खेती में नए आयाम स्थापित किए जाएंगे। इस तकनीक के लिए कनाडा के कृषि प्रधान और कृषि प्रधान राज्य हरियाणा एक दूसरे के साथ आधुनिकतम तकनीक मशीनरी को साझा करेंगे, जिसको लेकर कृषि प्रधान देश कनाडा की स्मार्ट सीडर मशीन का डेमो पिहोवा कुरुक्षेत्र में दिखाया गया है। इस डेमो के बाद इस आधुनिक तकनीक की मशीन को भारत सरकार के माध्यम से खेती के लिए प्रयोग किया जाएगा। इससे किसानों को निश्चित तौर पर फायदा मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्र के लिए बड़ा सौभाग्य का अवसर है कि कनाडा से एक बहुत बड़ा डेलीगेशन, जिसमें कनाडा का कृषि से सबसे बड़ा कृषि प्रधान प्रदेश है सस्काचून, वहाँ के प्रीमियर और कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री स्टीफन हार्पर, कौंसल जनरल जो कनाडा के चंडीगढ़ में है पैट्रिक हर्बर्ट, और उनके साथ पूरा डेलीगेशन यहाँ आया। ग्रामीण क्षेत्र के लिए बड़ा सौभाग्य था। अब खबर रेवाड़ी से है, जहां गौरक्षा दल अपनी मांगों को लेकर जिला सचिवालय पहुंचा और सीडीएम को जिला उपायुक्त के नाम का ज्ञापन सौंपा गया। गौरक्षा दल ने कहा कि उन्होंने रेवाड़ी में नगर परिषद की जमीन पर गौ माता के इलाज के लिए गौ उपचार शाला बना रखी है, जिस पर टीन शेड की जिम्मेदारी है। जिला प्रशासन से चाहते हैं कि नगर परिषद इन्हें कहीं भी गौ माता की सेवा और उपचार के लिए जगह दे, जहां पर वह गौ माता का इलाज कर सकें और शेड हटाने की कार्रवाई को स्थगित करें। नगर परिषद करे उपचार गौ माता की। पिछले बीते 7 दिनों से म्युनिसिपल कमिटी रेवाड़ी हर किसी को टॉर्चर कर रहे हैं कि ये हटा लो, अच्छा नहीं होगा, हमारे खिलाफ केस दर्ज हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। और 27 तारीख की शाम का एसएचओ रामपुर आए हैं, जो आपके बच्चों के नाम थे, उन्होंने बताया हम आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज करेंगे, या तो इस शेड को हटाओ। हमने सीडीएम साहब रेवाड़ी को जो है ज्ञापन दिया है, और उन्होंने उस लेटर को पढ़ने के बाद हमें आश्वासन दिया है कि मैं ईओ साहब से मीटिंग करके उनको बुलाकर और आपकी एक बार उनसे मीटिंग करवाएंगे, और इसका जो भी हल होगा उसको ढूंढकर उसको पूरा किया जाए। कुरुक्षेत्र लोकसभा के सांसद नायाब सिंह सैनी पुंडरी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पुंडरी लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह में लोगों की समस्याओं को सुना, साथ ही पत्रकार वार्ता में पत्रकारों से बात भी की। सांसद नायाब सिंह ने कहा कि आम आदमी पार्टी का जो चेहरा है वह अब लोगों के सामने आ चुका है। उन्होंने आगे कहा कि आम आदमी पार्टी झूठ की राजनीति करती है और लोगों को बरगलाने का काम करती है। नहीं देखिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी का जो चेहरा है आम जन के सामने आया है। मैं तो पहले भी बार बार इस बात को बोलता था कि सरदार भगत सिंह जी का चित्र लगा करके ये उनका अपमान कर रहा है, क्योंकि वो ऐसा व्यक्तित्व था, ऐसा क्रांतिकारी वीर था, जिसने अपने आप को इस भारत भूमि की गुलामी की जंजीरों को काटने के लिए नछावर किया। और उन लोगों की एक सोच थी कि मेरा देश कैसा होना चाहिए,
भिवानी जिला के गांव चांग में नौवीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र ने स्कूल में हुई मारपीट से आहत होकर फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। परिजनों ने बताया कि स्कूल में उनके बच्चों के साथ मारपीट की गई और बच्चे के शरीर पर चोट के भी निशान थे। स्कूल में हुई मारपीट से आहत होकर बच्चे ने आत्महत्या कर ली है। उन्होंने मांग की है कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। वहीं इस मामले में सदर थाना पुलिस ने परिजनों के बयान के आधार पर मुकदमा दर्ज कर अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। नौ बजे स्कूल में चला गया था वो, और स्कूल में जाने के बाद हमें पता लगा 3:30 बजे के आसपास में कि उसके साथ में स्कूल में मारपीट हुई है। ये स्कूल का ये आइडियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गांव टांग में नौवीं क्लास में हमारा लड़का पढ़ता था और उसके साथ में बहुत गलत हुआ है। अब उसके शरीर पे कुछ चोटों के निशान भी पाए गए हैं। अमन सुनोक रवि नाम का बच्चा यहाँ दाखिल हुआ था सरकारी अस्पताल भिवानी में, डेड का रुका जा रहा था। तो उसके पिता ने आज लिखित में दरखास्त दी है, उस आधार पर कार्रवाई करना।